हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के 10, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस 3। r यानी कि इसका मतलब है कि r में जो रियल नंबर्स है, जो रियल नंबर्स है उसमें 3 नहीं है, और b बराबर r माइनस 1 यानी कि जो रियल नंबर्स है उसमें 1 नहीं है। तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी पर विचार कीजिए, क्या यह एक आयकी तथा अच्छादक है। तो एक आयकी चेक करने के लिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ऐसा होता है एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 फंक्शन है एक्स 1 माइनस एक्स 2 एक्स 1 माइनस 3 एक्स 2 माइनस 2 एक्स 2 माइनस 3। ठीक, अब x1 माइनस 2 बटे x1 माइनस 3 इंटू इस जो भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, गुणे में हो गया तो ये इससे कट गया, आया x2 माइनस 2। अब क्या आया, x1 माइनस 2 बराबर x2 माइनस 2। ठीक, अब x1 माइनस 2 ये माइनस इधर आएगा प्लस में, प्लस 2 बराबर x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2, अतः यह फलन एकाकी है, अतः यह फलन एकाकी है। अब अच्छादक चेक करते हैं। तो अच्छादक चेक करने के लिए जैसे होता है एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स, अब एक्स की जगह इसको रख देते हैं, तो एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस थ्री बराबर वाई, तो अब एक्स माइनस टू बराबर एक्स वाई माइनस थ्री वाई। ठीक, अब एक्स इसको इधर लेके चले आते हैं, तो x माइनस एक्स वाई बराबर माइनस थ्री वाई प्लस टू। ठीक, अब x कॉमन ले लें तो 1 माइनस वाई बराबर, इसको उठा देते हैं 2 माइनस थ्री वाई, तो अर्थात अब आ जाएगा x बराबर 2 माइनस थ्री वाई बटे 1 माइनस वाई। ठीक, अब देखिए b में जो एलिमेंट है यानी कि b में हमको एक नहीं रखना है, इस जगह पे अगर एक रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, तो इसलिए इसमें एक को घटाने के लिए कहा है। और इसमें तीन को क्यों, अगर हम इसमें तीन रख देते हैं तो तीन माइनस थ्री, तो ये भी घट जाएगा और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अतः इस तरीके से आप चेक करेंगे। फिर अब इसमें कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो एक नेचुरल नंबर आएगी। जैसे अगर इसमें हम दो रख दें, एक नहीं दो रख दें, तो दो माइनस तीन दूना छः, छः वन माइनस टू यानी कि चार आएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, अतः है फलन एकाकी और अच्छा तो दोनों है। अगर आप इस चीज़ को x की जगह रख के देखेंगे तो लास्ट में आपको y परिणाम प्राप्त होगा, इसीलिए फलन एकाकी और अच्छा तक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित संबंध एकाकी है या एकाकी तथा अच्छा तक है या नहीं। तो पहली चीज, अगर x की घात कुछ भी हो, कुछ भी x की घात हो, वह अगर x की घात 2 हो चाहे 3 हो, वह कभी भी अच्छादक नहीं होगा, कभी भी अच्छादक नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक अच्छादक नहीं इसमें एकाकी है किंतु अच्छादक नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक है। लिख के चेक कर देते हैं। तो अगर मान लें 1, 1, -1 बिलोंग्स टू आर यानी कि 1 और माइनस 1 दोनों ही वास्तविक संख्या हैं। ठीक, तो x1 के पावर 4 अर्थात 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 1 के पावर 4 का जब चेक करेंगे तो 1 के पावर 4 अगर चेक करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 1 आएगा, और माइनस 1 की पावर 4 चेक करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन कभी भी 1 माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, ये 1 माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, अतः यह फलन एकाकी नहीं होगा। इसी में अच्छा तक भी चेक कर लेते हैं, अच्छा तक चेक कर लेते हैं। तो अच्छा तक इसमें चेक करने के लिए, अगर आपको कह दे कि हमको
माइनस दो चाहिए, इसके जगह माइनस दो चाहिए, अर्थात आप यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखिए जिसकी चार घात करने पर वो माइनस दो है, आएगा कभी नहीं, तो अतः यही लिखेंगे माइनस टू बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर का कोई भी मान अस्तित्व में नहीं है, अतः यह फलन एकाकी अतः यह फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर चार सही। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर थ्री एक्स द्वारा परिभाषित फलन या आर टू आर एकाकी तथा आच्छादक है या नहीं, तो इसमें एकाकी चेक करने के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो अर्थात थ्री एक्स वन बराबर थ्री एक्स टू, अर्थात एक्स वन बराबर एक्स टू, थ्री से थ्री कट गया तो अर्थात एक्स वन बराबर एक्स टू, अतः फलन एकाकी तो हो गया। अब आच्छादक चेक कर लेते हैं, आच्छादक अब इसकी ऐसी वैल्यू रखिए कि एफ एक्स की जगह दो आ जाए या फिर एक आ जाए, अर्थात दो वन बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर का कोई भी मान अस्तित्व में नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही है या फिर एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।